नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ बिहार झारखंड। 5 जनवरी मंगलवार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा, कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार के लोगों को करना होगा इंतज़ार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले कीड़े मकौड़ों की तरह मारे जा रहे हैं लोग। लव जिहाद को लेकर सीएम योगी पर बरसे पप्पू यादव, बोले नेताओं के घर पर सबसे ज्यादा मामले, क्यों नहीं करते कार्रवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को क्लीयरेंस देने के लिए हुआ बवाल, पत्थरबाजी में घायल हुए पुलिसकर्मी। बिहार में नीतीश कुमार के जल नल योजना की खुली पोल, मोटर ऑन करते ही गिरी पानी की टंकी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के लोगों को अगले 4 से 5 महीने में कोरोना का टीका लगाया जाएगा, इस बात की घोषणा खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना में की। देश भर में जारी कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा के बीच नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तरह तैयार है। उन्होंने इसको लेकर रोड मैप तैयार करने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 महीने में बिहार के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की इतनी बदहाली स्थिति है कि अपराधियों द्वारा आमजन को कीड़े मकौड़ों की तरह मारा जा रहा है। सरकार गुंडों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए तेजस्वी ने तंज कसा और उन्हें अनुकंपाई मुख्यमंत्री बताया, जिनकी कैबिनेट और गठबंधन के नेता समेत प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लव जिहाद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया है। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें लव जिहाद कानून से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में देश में जो नफरत फैलाई जा रही है वो गलत है। दो लोगों की आज़ादी और उनकी जिंदगी में आप नफरत पैदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी को नफरत पैदा करनी है तो उनको चाहिए कि सबसे पहले उन नेताओं पर केस करें जिनके बच्चों ने प्रेम विवाह किया है। पप्पू यादव ने लव जिहाद के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि देश में सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह नेताओं, बड़े पदाधिकारियों और बड़े घरानों में होते हैं। पप्पू यादव ने सवाल किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। झारखंड की राजधानी रांची में किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले को क्लीयरेंस देने के लिए सोमवार शाम जमकर बवाल हुआ। अल्बर्ट इक्का चौक की तरफ भारी संख्या में लोग जा रहे थे। इसी बीच सीएम के काफिले को क्लीयरेंस देने के लिए पुलिस किशोरगंज चौक पहुंची और वहां भीड़ को देखते ही पुलिस सख्ती के साथ रोड से गुजर रही भीड़ को हटाने लगी। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। किशोरगंज चौक पर तैनात ट्रैफिक और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ लोगों की झड़प हो गई। इसी बीच सीएम का काफिला भी पहुंच गया। आक्रोशित भीड़ की तरफ से काफिले पर पत्थर फेंका गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी। पुलिस ने भीड़ को रोककर सीएम के काफिले को डाइवर्ट किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में भारी पैमाने पर खराबी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
अब गोपालगंज में भी इस योजना की पोल खुल गई। पानी की टंकी में पानी भरने के दौरान ही अचानक फट गई और देखते ही देखते धराशायी होकर जमीन पर आ गिरी। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत चमारपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 6 में 19,88,000 रुपये की लागत से पानी की टंकी और 200 घरों में नल का जल पहुंचाया गया था। यहां लोगों का कहना है कि 6 महीने पहले ही टावर बनाकर 2 पानी की टंकी लगाए गए थे। यहां पानी की टंकी करीब 2 हफ्ते पहले चालू किया गया था, लेकिन महज 15 दिन बाद ही टंकी में पानी भरते ही अचानक टंकी फट गई। आज इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।